हेलो एवरीवन, एजुकेशनल सीरीज के आज के इस क्रम में हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बोरेक्स के बारे में, जो कि सुहागा से तैयार की जाती है। बोरेक्स वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट होम्योपैथिक मेडिसिन में से मानी जाती है और ह्यूमन एलिमेंट्स यानी कि मनुष्य की तमाम बीमारियों को जड़ से ठीक करने का कार्य करती है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा यूनिक और इन्फॉर्मेटिव, मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बोरेक्स वेनेटा जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही ज्यादा कारगर है और ये सुहागा से तैयार की जाती है, यानी मिनरल किंगडम से आने वाली दवा है। इसके सबसे ज्यादा पिक्यूलियर होते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स, यानी कि बोरेक्स के जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं ये इतने ज्यादा यूनिक होते हैं कि अगर किसी के अंदर हमें इसके मेंटल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और फर्ज कीजिए उन्हें कोई भी बीमारी हो गई, लेकिन मेंटल सिम्टम्स के आधार पर अगर हमें उस दवा का सेवन करते हैं तो ये बीमारी चाहे कोई भी हो उसको जड़ से हटाने का कार्य करती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके मानसिक लक्षणों की। तो जिन लोगों के अंदर भी फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि नीचे उतरने का डर, नीचे उतरने में इनको इतना ज्यादा डर लगता है, इतने ज्यादा डरपोक किस्म के व्यक्ति होते हैं कि इनकी बॉडी कांपने लगती है। खासतौर में छोटे बच्चों के अंदर या फिर बुजुर्ग लोगों के अंदर ये बहुत होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे या कहीं से भी वो नीचे उतरते हैं, यहाँ तक कि बेड से भी नीचे उतरते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है और ऐसा लगता है कि वो मर ही जाएंगे। इसके अलावा जो लोग बहुत ही डरपोक किस्म के होते हैं, बहुत ज्यादा ही घबराहट महसूस करते हैं, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, दूर से भी अगर कोई आवाज आ गई तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो इस तरीके के मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो है हमें बोरेक्स के केस में देखने को मिलते हैं। बात करें अगर इसके हेड सिम्टम्स की, यानी इसके बाल कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। जिन लोगों को बालों में गुच्छे बनने की शिकायत हो, यानी प्लिका पोलोनिका जिसको कहा जाता है, बाल में कितना भी बाल को सुलझा लेते हैं, कितने भी बालों को डिटैंगल करने की कोशिश करते हैं, वो बार बार बुरी तरीके से अगर उलझ जाते हैं और इसकी वजह से अगर उनको हेयर फॉल हो रहा हो, तो प्लिका पोलोनिका के आधार पर जो हेयर फॉल होता है उस केस में बोरेक्स मेडिसिन का प्रयोग करने पर बालों के जो ये गुच्छे होते हैं धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और हेयर फॉल की समस्या दूर हो जाती है। इसके जो माउथ सिम्टम्स हैं, यानी मुंह से संबंधित जो लक्षण है, वो सबसे ज्यादा पिक्यूलियर होते हैं और इस केस में ये मेडिसिन कभी भी फेल नहीं करती है। तो माउथ में हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं, और वो है माउथ अल्सर। माउथ अल्सर बहुत लाल होते हैं और बहुत ही आसानी से ब्लीडिंग होने लगती है। व्यक्ति कुछ भी खा नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, मुंह में अजीब सा गरम गरम सा एहसास होता है और इसके साथ ही साथ उनको बार बार मुंह में छाले निकलते हैं, यानी कि वो ठीक तो हो जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद फिर मुंह में छाले पड़ जाते हैं, फिर से उन्हें खाने में दिक्कत होने लगती है और ये छाले इतने ज्यादा दर्द देते हैं तो वो बात भी नहीं कर पाते हैं। इस तरीके के छाले यानी एप्थे की अगर प्रॉब्लम हो तो वहां पर बोरेक्स 30 का मार्वेलस यूज देखा जाता है। बोरेक्स 30 को ना सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि इसे लोकल वॉश यानी कुल्ला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और बहुत कॉमन चीज है बोरेक्स के केस में और वो हमें देखने को मिलती है, ओरल कैंडिडियासिस, यानी मुंह में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, मुंह में एक सफेद परत जैसी दिखाई दे रही है जीभ के ऊपर या बकल एरिया में, यानी कि गालों के अंदर एक सफेद परत जैसी दिखाई दे रही है, जैसे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग सुरती खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, तो वहां पर ये ओरल कैंडिडियासिस भी ठीक हो जाती है। ओरल कैंडिडियासिस में काफी ज्यादा दर्द भी होता है और पेशेंट धीरे धीरे करके उसके पूरे मुंह में ये फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है, वहां पर इसका प्रयोग बहुत ही शानदार है और इसे 30 पोटेंसी में यूज करने से धीरे धीरे करके ये फंगल इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पेट संबंधी सिम्टम्स की। तो पेट में अजीब सी बेचैनी रहती है, इरिटेशन रहती है, डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है और जो इसके छोटे बच्चे होते हैं उनको बार बार स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं। अगर किसी को बार बार पेट संबंधी प्रॉब्लम के साथ स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डरपोक किस्म के हैं, मुंह में छाले निकलते हैं, तो वहां पर बोरेक्स 30 का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्किन के सिम्टम्स की। तो देखिए, स्किन के सिम्टम्स बोरेक्स के बहुत ही ज्यादा खास हैं और इसे अलग अलग स्किन की प्रॉब्लम्स, चाहे वो एक्जिमा हो या फिर सोरियासिस हो या फिर कोई किसी भी प्रकार का एलर्जी हो, फंगल इन्फेक्शन हो, वहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी खासियत जो बोरेक्स के पेशेंट में देखने को मिलती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके चेहरे पर या उनके हाथों पैरों पर मकड़ी का जाला लगा हो, यानी दे फील As if there is cobwebs on their whole body. देखिए ये sensation कितना peculiar है और ये जितना सुनने में आपको अजीब लग रहा है, ऐसा नहीं है, इसके patient भी मिलते हैं और बोरेक्स अगर वहां पर दी जाती है तो ये उनको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाती है।
बोरेक्स के जो पेशेंट्स के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उनके पैरों की उंगलियों के बीच में यानी जॉइंट्स के बीच में खुजली होती रहती है, लगातार इचिंग होती रहती है, जलन होती है, स्टिंगिंग पेन होते हैं, बार बार छोटे छोटे महीन महीन दाने निकल जाते हैं, और इसके साथ ही साथ उनके जो पैरों के नाखून होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पर भी बोरेक्स का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, बोरेक्स को अगर लंबे समय तक सिम्टम्स के आधार पर स्किन के केस में इस्तेमाल किया जाए तो ये एक्जिमा, सोरियासिस जैसी प्रॉब्लम्स को भी जड़ से ठीक कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं से संबंधित होम्योपैथी में बोरेक्स के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और बोरेक्स अगर मैं कहूँ कि एक फीमेल रेमेडी के रूप में बहुत ही ज्यादा सफलतापूर्वक इस्तेमाल की जाती है तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। बोरेक्स महिलाओं की एक बहुत शानदार दवा है, और पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, इनफर्टिलिटी हो, इन सभी प्रॉब्लम्स में बोरेक्स का असर बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिलता है। इररेगुलर पीरियड्स की अगर शिकायत करें तो उन्हें बार बार पीरियड्स हो जाते हैं, यानी मंथली उनका रेगुलर नहीं रहता, इसके साथ साथ उनको भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता है, मूड स्विंग्स होते हैं, वो हमेशा उदास रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं, वाइट डिस्चार्ज होता रहता है, जिससे कि ओवरऑल उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। ऐसे केस में अगर बोरेक्स को इस्तेमाल करना है तो फिर हम इसे 200 पोटेंसी में दो बूंद करके सुबह शाम अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका नॉर्मल जो हार्मोनल पैटर्न है वो रिस्टोर होता है, उनके मूड लेवल्स में जो मूड स्विंग्स आते रहते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं, और धीरे धीरे करके उनकी फर्टिलिटी पावर भी बढ़ जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं बोरेक्स की सबसे कॉमन पोटेंसी जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये है कि बोरेक्स को हमेशा अगर आपको खुद से इस्तेमाल करना है तो आप लो पोटेंसी में इसे इस्तेमाल करें, जैसे 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं या 6x में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ रहता है। जब तक कि हमें किसी भी चीज की बहुत ज्यादा सिम्टम सिमिलैरिटी ना मिल रही हो तब तक हमें हाई पोटेंसीज तक नहीं जाना चाहिए, और इसे हाई पोटेंसीज को हमें डॉक्टरी देखरेख में ही इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे कॉमन पोटेंसी जो इसकी है 30 को, इसको आप दो दो बूंद करके एक चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। एक बोनस टिप मैं जो आपको देना चाहूंगी बोरेक्स के बारे में वो ये है कि ये एक लोकल वॉश के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को माउथ अल्सर की शिकायत है तो बोरेक्स के मदर टिंचर को थोड़े से पानी में डाल के लगभग 20 बूंद को आधे कप पानी में डाल के आप इसे कुल्ला कर सकते हैं। किसी को अगर इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप इसे लोकल वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें इचिंग में भी आराम मिलता है और उनका कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो रहा हो, अल्सर हो रहा हो, वहां पर भी उन्हें तत्काल आराम मिल जाता है। तो देखा दोस्तों, आपने बोरेक्स जो कि सुहागा से बनने वाली, मिनरल किंगडम से आने वाली एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके कितने ज्यादा ह्यूमन एलिमेंट्स के ऊपर, ह्यूमंस को सही रखने के लिए कितनी ज्यादा ये कारगर मेडिसिन है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगे आपसे ऐसी ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।